To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभात, आज सूरदास के पद का, ये चार पद जो हम लोगों को पढ़ना था उसका अंतिम पद आज हम लोग उसका भावार्थ समझेंगे। और भावार्थ समझने से पहले एक बार शब्दार्थ पर हम दृष्टि डाल लें। इसमें जो कुछ नए शब्द हैं, मधुकर, मधुकर का अर्थ ऐसे भौरा होता है, लेकिन पद में, कविता में इसका प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। उद्धव के लिए यह एक संबोधन है। पठाय मतलब भेजा, पठाना भेजना, ऐसे प्रयोग करते हैं। ब्रज का शब्द है, फिर खड़ी बोली में उसका मतलब भेजना हुआ। आगे के यानी पहले के, पर हित दूसरों के हित के लिए, पर मतलब दूसरा, डोलक धाय यानी घूमते फिरते थे, फेर का मतलब फिर, पाई है यानी पा लेंगी, अनीति मतलब अन्याय, और आपुन, आपुन यानी स्वयं। तो यहां सूरदास जी ने जो ये पद लिखा है इसमें गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं, कहती है कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि यानी भगवान कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। सामान्य रूप से ये राजनीति की बात जब करते हैं तो कहीं न कहीं मन में, लोगों के मन में थोड़ा सा छल, प्रपंच, धोखा, इस तरह की बातें आने लग जाती है। और आए दिन हम लोग सुनते भी रहते हैं, कोई किसी को कह रहा बड़ी राजनीति हो रही है, बड़ी राजनीति कर रहे हो, इस तरह की बातें लोग एक दूसरे पर व्यंगात्मक रूप में बोलते हैं। तो अगर हम उस संदर्भ में देखें तो गोपियों का यह कथन कि भगवान कृष्ण अब राजनीति पढ़ने लगे, राजनीति पढ़ आए हैं, थोड़ा सा प्रासंगिक लगता है। हरि के विषय में, कृष्ण के विषय में यह कहना कि वे खुद ना आकर के आपको योग का संदेश लेकर भेज दिए, गोपियों की दृष्टि में लगता है कि कृष्ण अब हम लोगों के साथ भी कुछ राजनीति की बातें करने लग गए हैं। वो राजनीति पढ़ आए हैं, समझी बात कहत मधुकर के। अब यहां एक बात और समझिए, मैंने यहां शब्दार्थ में लिखा भी था कि मधुकर का अर्थ भौरा होता है, और ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये रचना सुरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया। तो मधुकर का अर्थ भौरा होता है, लेकिन यहां पर आपको पहले बताया कि इस शब्द का प्रयोग, मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया। अब यहां दो बातें समझ में आती है, ऐसा करने के पीछे गोपियों ने उद्धव को मधुकर कहा, इसके संदर्भ में दो बातें समझ में आती है। पहली बात यह कि हो सकता है कि गोपियों ने इसलिए ऐसा कहा हो कि उसे लगा कि मधुकर को, भौरे को भला प्रेम की बातें क्या समझ में आएगी, और आप भी उसी भौरे की तरह हैं, उसके समझ में प्रेम की बातें आ ही नहीं सकती, और वैसे ही आपके समझ में भी नहीं आ रही। एक तो ये बातें समझ में आती है। दूसरी बात क्या है कि आपको बताया था पाठ जब हम लोग शुरू किए थे तो, कि इस भ्रमर गीत की जो रचना किया है सुर ने, तो वहां पर जब गोपियां उद्धव के साथ अपना संवाद कर रही थी, बात कर रही थी, वार्तालाप कर रही थी, उसी समय एक भ्रमर कहीं से उड़ता हुआ आ गया, और वहीं से भ्रमर गीत का शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ। तो कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि दो चार लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो जिसको हमें कुछ कहना होता है हम उसकी ओर मुखातिब न होकर के दूसरे के तरफ घूम करके कुछ बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि वह भी सुन ले।
कहना इसको रहता है, कहते हैं उसकी ओर घूम करके, और ऐसे कहते हैं कि वह भी सुन ले। हो सकता है कि गोपियों को जो बातें उद्धव को कहनी थी वह उद्धव को ना कह करके उस भ्रमर को कह रही है, और यहां पर भ्रमर संबोधन बन गया उद्धव के लिए, यानी वो बातें सुनानी थी उद्धव को लेकिन वह कह रही है किससे, भ्रमर से। खैर जो भी हो, लेकिन यहां जो पंक्ति लिखा कि समुझी बात कहत मधुकर के, कहा कि हे भ्रमर रूपी उद्धव या उद्धव रूपी भ्रमर, दोनों शब्द चुके समानार्थी बन गए हुए हैं, तो कहा कि आपकी बातें सुन करके हम सब लोग सारी बात समझ गए, कृष्ण के विषय में, हरि के विषय में सब कुछ समझ गए। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर की बातें सुन करके हम सब लोग सब बात समझ गए, समाचार सब पाए, कृष्ण के विषय में सारी बातें पता चली, समाचार मिला कृष्ण के विषय में, हम सब लोग समाचार से अवगत हो गए। और तब वह आगे कहती है कि एक अति चतुर हुतय पहले ही, हुतय मतलब थे, एक तो पहले से ही वो बड़े चतुर थे, कौन, हरि भगवान कृष्ण। गोपिया कहती है कि एक तो वो पहले से ही बड़े चतुर थे, एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो लगता है कि वो गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए, आप जैसे गुरुओं ने उनको गुरु मंत्र भी सिखा दिया है, अब तो वो और भी अधिक चतुर हो गए, एक तो पहले से ही चतुर थे, एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक तो पहले से ही वो बड़े चतुर थे, और अब तो आप जैसे लोगों से उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, और उनकी बढ़ी हुई बुद्धि बढ़े हुए ज्ञान का यही प्रमाण है, उनकी बुद्धि अब पहले से बढ़ गई, ये बातें हम लोगों को तब पता चली, ये बातें तब जानकारी में आई जब हमने देखा कि वे खुद ना आकर के आपके द्वारा योग का संदेश भेजे। तो ये योग का संदेश सुन करके हम लोगों को लगा कि अब वो और भी अधिक चतुर हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियां कहती है कि भले लोग, उद्धव भले लोग आगे के, आगे के मतलब पहले के, पहले से तो वो बड़े भले लोग थे, अच्छे लोग थे, भगवान कृष्ण के विषय में कहा कि पहले तो वे बड़े भले थे, अच्छे थे, परहित दूसरों का हित करने के लिए, पर शब्द का अर्थ पंख भी होता है, पक्षी के पंख, उसे भी पर कहा जाता, यहां पर का मतलब है दूसरा, तो परहित दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए, भलाई करने के लिए डोलत धाए, दौड़ते चले आते थे, दूसरों का हित करने के लिए वो दौड़ते चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो हूते चुराए, गोपियों को एक बात की संतुष्टि है, वो कहती है कि कृष्ण जब यहां से जाने लगे, मथुरा की ओर जाने लगे, तो वो हम सबका मन चुरा करके अपने साथ ले गए, अब लगता है कि उस मन को हम लोग अब प्राप्त कर लेंगे, अब उनके पास हमारा मन नहीं रहेगा, अब अपने मन फेर पाई हो, फेर मतलब फिर से, अपने मन को अब हम लोग फिर से प्राप्त कर लेंगे, कौन सा मन, तो चलत जो हूते चुराए, जाते हुए जो कृष्ण हम सब का मन चुरा करके ले गए, अब लगता है कि अब हमारा मन उनके पास नहीं रहेगा, हम सब लोग अपने मन को प्राप्त कर लेंगे। अते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए, एक प्रश्न पूछा गोपियों ने कि वह खुद, आपुन मतलब स्वयं, खुद
वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से मुक्ति दिलाने वाले हैं, दूसरों को अन्याय से मुक्त करने वाले हैं, अनीति से मुक्त करने वाले हैं, आज भला वो खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं। गोपियों की दृष्टि में कृष्ण का वहां नहीं आना और उद्धव को भेजना एक प्रकार से अन्याय है, इसे अनीति कहती है। और तब वह प्रश्न खड़ा करती है कि वो तो दूसरों को अन्याय से मुक्त कराने वाले थे, आज खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे अपुन, वे क्यों खुद अनीति कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाने वाले थे, मुक्त कराने वाले थे। तो राज धर्म तो यही सूर, सूरदास कवि का नाम है, सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि एक राजा का धर्म तो यह नहीं होता है। राजा का धर्म है क्या, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का कार्य प्रजा को सताना नहीं होता है। हम सब के वो राजा हैं, हम लोग उनकी प्रजा हैं, और हम लोगों को सताना नहीं चाहिए। वे यह अन्याय कर रहे हैं। राजा का कार्य प्रजा के हित करना है, रक्षा करना है, उसे सताना कदापि नहीं होता। तो इस प्रकार से ये चौथा पद हम लोग पढ़े हैं। और यहां पर दो तीन बातें हम लोग समझ लें कि ये जो चारों पद पढ़े, चारों पद में जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, रूपक अलंकार का प्रयोग और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। यहां भी जो बढ़ी बुद्धि है ना शब्द, तो बढ़ी बुद्धि में हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि बवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इन चारों पदों में अगर रस की बात करें तो अभी इस सत्र में हम लोगों को रस पढ़ना है, दशम की सिलेबस में है वो रस, आगे पढ़ेंगे तो विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। नौ प्रकार के रस पढ़ने हैं। उन रसों में पहला होता है श्रृंगार रस, जिसे रस राज भी कहा जाता है। तो इन चारों पदों में श्रृंगार रस का प्रयोग सूरदास ने किया है। और उस श्रृंगार रस में भी दो प्रकार के रस माने गए, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। जैसे भगवान राम जब मिथिला में गए, जनकपुर गए, और पुष्प वाटिका में जब उन्होंने सीता जी को देखा, तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि लोचन मग रामहि उर आनी, दिन्हे पलक कपाट सयानी, जब सिए सखिन प्रेम बस जानी, कहिन सकहिं कछु मन सकुचानी। वहां पर जो भगवान राम का सीता के प्रति या माता सीता का राम के प्रति जो प्रेम दर्शाया, उसे हम वहां पर कह सकते हैं कि वह संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। यहां क्या देख रहे हैं कि कृष्ण गोपियों से दूर मथुरा चले गए और गोपियों के मन में उनके प्रति वियोग है, वह विरह में जल रही है। तो यहां पर हम कहेंगे कि यहां श्रृंगार में वियोग श्रृंगार का ये वर्णन किया गया है, वियोग श्रृंगार का ये सब उदाहरण है। तो ये श्रृंगार रस और उसमें भी वियोग श्रृंगार। इसके साथ साथ ये रचना भक्ति काल की रचना है, ब्रजभाषा की रचना है, इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। आप इसका शब्दार्थ याद करेंगे और पढ़े गए पद का भावार्थ अपने शब्द में जरूर लिखेंगे। विद्यालय खुलने के बाद हम सबकी कॉपी देखेंगे। धन्यवाद।